कैंडी में रात अच्छी गुजरी, बड़ी मजे की इनकी ट्रैफिक आई, किसी टनल आ गई है और मस्जिद मिलनी नहीं है। पहुंच चुके हैं कोलंबो के हॉस्पिटल है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कैंडी। और कैंडी में रात अच्छी गुजरी, बट कल मैं कहीं नहीं जा सका क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। आज मेरा सफ़र है कैंडी से वापस कोलंबो। कोलंबो वन नाइट स्टे है और इंशाल्लाह फिर अगले दिन फ्लाइट होगी वापस मेरी दुबई की। अच्छा था, हिल स्टेशन है जस्ट लाइक मरी या नथियागली आप कह सकते हैं। और मौसम ये है कि हर टाइम यहाँ बारिश हो रही होती है और इतने ज़्यादा प्लेसेस नहीं है विज़िट करने वाले, 3-4 ही थे, बट बारिश की वजह से वो मैं विज़िट नहीं कर सका। अभी मैं आपको अपनी जर्नी दिखाता हूँ कैंडी से कोलंबो की। गलियाँ हैं छोटी छोटी हैं और बड़ी मज़े की इनकी ट्रैफिक है। ये अच्छी बात है कि बड़े काम लोग हैं और बहुत कोऑपरेटिव हैं। हर जगह मैं ये देख रहा हूँ कि वो ना एक दूसरे को जगह देते हैं, एक दूसरे को पहले कहते हैं कि आप पहले आ जाएं और फिर हम बाद में चले जाएंगे। एक चीज़ और कि यहाँ पर जितनी ग्रीनरी है मैंने कहीं भी नहीं देखी इतनी ज़्यादा। और छोटी सी टनल आ गई है, ये भी हमें क्रॉस करनी पड़ेगी। एक मतलब ऐसी फीलिंग है जो वो क्या कहते हैं, बयान नहीं हो सकती। अभी तक तो मैं उसी स्टेज में हूँ, बट मैं बुरा नहीं कहूँगा इसको, मे बी वो मुझे समझ नहीं आ रही, बट जगह बुरी नहीं है। से तकरीबन 106 किलोमीटर दूर है और 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे यहाँ पहुँचते हुए। बट मुझे ये लगता है कि किलोमीटर इतने ज़्यादा नहीं है, बट रोड ऐसे हैं और इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती नहीं है जिस वजह से जो है ना टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, अदरवाइज़ जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। थोड़ी देर रुके हैं यहाँ पर, मस्जिद है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ लेते हैं, जुमे का दिन है। रास्ते में हमें कहीं और मस्जिद मिलनी नहीं है तो यही सोचा कि यहाँ मस्जिद है ये सामने, हम यहीं पे जो है ना नमाज़ पढ़ लेते हैं। सामने जो है ना यहाँ का मोस्ट फेमस ये लोटस फ्लावर भी आ गया। अच्छा, ये यहाँ पे एक पुराना हॉस्पिटल। हाँ भाई, खाना खा लिया और हलाल फूड का यहाँ बहुत इशू है इसलिए मैकडॉनल्ड्स ही खाएं और बस अभी ख़त्म हो गया, आगे निकलते होटल की तरफ। ये मेरा होटल का रूम, रूम में ये व्यू, और इस व्यू के साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ से आगे का व्यू भी दिखा देता हूँ। उसको मैंने बोला मुझे उस साइड पर दे दो, लेकिन उसने मुझे सी व्यू साइड नहीं दिया, ये वाली साइड दे दी। इसमें ये एक अच्छी बात होगी कि सुबह रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। अच्छा भाई, प्लान में सडन चेंज है, मैं फ़्लाइट मुझे मिल गई है 3:00 की और मैंने सोचा कि मैं आज ही दुबई निकल जाता हूँ। वीज़ा मेरा आ गया था, मैंने जैसे ही वीज़ा आया अपनी टिकट चेंज करवाई है और मैं निकल रहा हूँ अब दुबई के लिए। यहाँ के कोई 11 बज गए हैं लेकिन 3:00 मेरी फ़्लाइट है। पहले मुझे कुछ खाना है जाके, पूरा दिन हो गया, सिर्फ एक मील लिया था, दूसरा नहीं लिया। कुछ खाता हूँ जाके और एयरपोर्ट चलता हूँ। सामान मेरा रेडी है, बस इतना चाहिए और निकल रहा हूँ। अच्छा भाई, बोर्डिंग होगी और बस अभी जहाज़ में एंटर होता हूँ, जाता हूँ और फिर मेरे ख्याल में 4 घंटे 15 मिनट की फ़्लाइट है और इंशाल्लाह सुबह 6:00 दुबई के 6:00 पहुँचेगी। आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करता हूँ, फिर इंशाल्लाह मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।